आपने काफी सेलिब्रिटीज के शरीर पर ऐसे लाल और नीले धब्बे जरूर देखे होंगे। उर्वशी रौतेला, बानी जे, यहाँ तक कि जस्टिन बीबर के शरीर पर भी ऐसे निशान देखे गए हैं। पर क्या आप जानते हैं निशान कैसे बन जाते हैं? ये एक थेरेपी की वजह से होता है जिसको कपिंग कहा जाता है। आइए जानते हैं इस कपिंग थेरेपी के बारे में, ये क्यों कराई जाती है और आप कहाँ कहाँ बॉडी में करा सकते हैं खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट से। ये जो पोर्शन है आपका ज्यादा स्टिफ हो रखा है, ये देखिए, ये आपके मसल्स पूरे स्टिफ हो रखे हैं। सो बेसिकली क्या है, जब हम कपिंग थेरेपी करते हैं तो कपिंग थेरेपी का जो सबसे बढ़िया इफेक्ट है वो ये है कि ये मसल्स को रिलीज करता है, स्टिफनेस इनकी रिमूव करता है। ये जो आपकी स्टिफनेस है इसको ख़त्म करने के लिए हम कपिंग यूज़ करते हैं और ये आपको मसल्स को रिलैक्सेशन के लिए यूज़ होता है, राइट? इसे कोई पेन वेन नहीं होगा। ये आपके लोअर बैक के मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कपिंग। इससे क्या होगा कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज मिलेगा, थोड़ा बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके जो छोटे छोटे मसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका जो मसल है प्रॉपरली रिलैक्स होगा। एटलीस्ट 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद रिलीज करेंगे। जब आपके मसल्स एक एक्स्ट्रा लेवल पे स्टिफ हो जाते हैं तो उस स्टिफनेस को ब्रेक करने के लिए हम सबसे पहले कपिंग यूज़ करते हैं, सो दैट कि जो इनिशियल स्टिफनेस है वो आपकी कम हो जाए। उसके बाद फिर हम मैनुअल ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। सर्वाइकल पे भी यूज़ हो सकता है, शोल्डर पे भी हो सकता है, थाइस पे, लोअर बैक पे, बैक थाइस पे, बटक्स पे, एवरीवेयर। तो जहाँ पे थिक मसल्स होते हैं वहाँ पे। अब जैसे हम अगर इस पोर्शन पे यूज़ करेंगे या फोर आर्म पे यूज़ करेंगे तो नहीं होगा।